योगेन चित्ता शपदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोष्मि। एक बार महर्षि पतंजलि को नमन वंदन करते हुए योग ऋषि विश्व गुरु परम पुज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए और उनके जैसा चरित्र को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हुए आज हम सभी यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड के बिछियाव गांव में ये पुष्प वाटिका जड़ी बूटी उद्यान में हम लोग इस कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं। तो आइए आज हम सभी भगवान सूर्य की आराधना के साथ और भस्त्रिका प्राणायाम के साथ हम प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। कितना सुंदर वातावरण, चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटी, हमारे मंच के आगे भी तमाम प्रकार के जड़ी बूटियों का एक कतार लगा हुआ है और एक एक पौधे का यदि विश्लेषण किया जाए तो पुस्तक लिख दे, कॉपी भर दे, इसका वर्णन अवर्णनीय है। तो जड़ी बूटियों के प्रति और प्रकृति पूजा के और सबके प्रति प्रेम भाईचारा रखने का भाव रखते हुए हम सभी अब भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें मैंने कल बताया था कि धीरे धीरे सांस को क्या करना है, लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। 5 सेकंड तक सांस को भरना है और 5 सेकंड तक सांस को छोड़ना है और कितने मिनट तक करना है, 5 मिनट तक करना है। तो आइए ध्यान मुद्रा बैठते हैं सिद्धासन में, दोनों हथेलियों को यानी तर्जनी और अंगूठा के अग्रभाग को मिलाते हैं, तीनों उंगली को सीधा रखते हैं और ये हथेली आसमान की तरफ खुली हो, घुटना पे रख लिया। अब सबकी आंखें बंद हो जाएंगी, आंख बंद कर लीजिए। अब अंतर्मुखी होकर के यानी अपने अंदर की यात्रा शुरू करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन कौन सी गलती को करता हूँ, मुझे कौन सा काम करना चाहिए, मुझे कौन सा काम नहीं करना चाहिए, यानी पूरे 5 मिनट तक भगवान के प्रति उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में जीवन को समर्पित करते हुए हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो आइए हम लोग छठ गीत से, भगवान सूर्य के गीत से हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद लेंगे। तो आइए माताओं की तरफ चलते हैं। छोटी मोटी नारियल के गछिया लोटे डाल, छोटी मोटी नारियल के गछिया लोटे डाल, ताई कर सुरु जादू लारुआ खेले जुआ सूरु जादू लारू आ जाइबा
Okay.